सो व्हाट्स अप गाइस, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग करना। दोस्तों इस वाले वीडियो को अगर आप लोग भी कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो आप लोग भी कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से इस वाले वीडियो के अंदर आप लोग को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस सिंपल फोटो को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको यहां से ओपन कर लेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो दोस्तों इसमें ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करना होगा, यहां पे नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आप लोग को ऊपर यहां पे ट्विन इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और सबसे पहले सैचुरेशन को -100 तक एंड एम्बियंस को हम लोग -+32 के करीब रख लेंगे और यहाँ पर शैडोज को हम लोग -15 के करीब और नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है एंड इसके बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे नीचे ट्यून इमेज पर क्लिक कर देना होगा और इस पर क्लिक कर देने के बाद फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद क्या करना होगा, नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो पूरा फोटो ब्लैक हो जाएगा और फोटो को जूम कर लेना है और इसको यहाँ पे जीरो कर लेना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से फेस पर यानी कि स्क्रीन पे ड्रॉ करना है तो आप लोग के स्क्रीन पे जो भी ब्लैक निशान होगा कुछ इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को पूरे फेस पर से यानी कि स्क्रीन पर से रिमूव कर लेना होगा एंड इसके बाद इसको नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है एंड इसके बाद फिर से नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आ जाना है और नीचे यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है और इसके बाद फिर से नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग एक PNG को ऐड कर लेंगे जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस PNG को यहाँ से ऐड कर लेना है और इसके बाद बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और हम लोग इसको यहाँ पर डार्कन वाले ऑप्शन पर इसको रख लेंगे एंड इसके बाद नीचे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है और सेव करने के बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद यहाँ से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक कर देने के बाद फिर से नीचे यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा और इसके बाद फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 0 है, इसको हम लोग 100 पर रख लेंगे और फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से कपड़े पर अप्लाई करना है और आप इसको चश्मे को भी कलर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जूम करके चश्मे को भी कलर कर लेना है एंड इसके बाद आप लोग को पूरे कपड़े पर कुछ इस तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है और अप्लाई कर लेने के बाद फिर से क्या करना होगा, नीचे यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है और इसके बाद दोस्तों क्या करना है, फेस को गोरा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे चौथे नंबर वाले ब्रश यानी कि सैचुरेशन पर क्लिक कर देना है और इसको हम लोग यहाँ पे 10 पे रख लेंगे और कुछ इस तरीके से इसको कपड़े पर अप्लाई कर लेना है। इससे अगर आप लोग के कपड़े में सैचुरेशन कम होगा तो जिस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आप लोग के कपड़े में भी चमक आ जाएगा एंड आप लोग के सनग्लासेस में भी चमक आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना, फेस को गोरा करने के लिए फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ब्रश यानी कि एक्सपोजर पे क्लिक कर देंगे और हम लोग इसको 0.7 पे रख लेंगे और फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको स्क्रीन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 क्लिक पे ही फेस कुछ इस टाइप से गोरा हो जा रहा है, ठीक है। तो पूरे स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है एंड आप लोग भी कुछ इस तरीके से पूरे स्क्रीन पे इसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर लेने के बाद फिर से नीचे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है और इसके बाद क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आने के बाद फिर से यहाँ पे डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना होगा एंड इसके बाद फिर से नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बैकग्राउंड को यहाँ से हम लोग ऐड कर लेते हैं और ऐड कर लेने के बाद फिर से यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका ऑपेसिटी फुल कर लेना है और नीचे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है
एंड इसके बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर से यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा और इस पर क्लिक कर देने बाद फिर से हम लोग को ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक कर देने बाद क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं 0 है तो हम लोग इसको यहाँ पे 100 पे रख लेंगे और कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है बैकग्राउंड में। इससे आप लोग का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो फोटो को फुल जूम करके कुछ इस तरीके से इसके किनारे किनारे पूरे बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है। तो यहाँ पे पूरे बैकग्राउंड को इरेज कर लेना होगा और इरेज कर लेने के बाद फिर से नीचे यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। एंड इसके बाद क्या करना होगा, फिर से हम लोग इसको फेस को स्मूथ करने के लिए नीचे टूल्स पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऊपर डिटेल पर क्लिक कर देना है। इसका स्ट्रक्चर -50 के करीब और यहाँ पे शार्पनिंग को +10 के करीब और फिर से नीचे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। एंड इसके बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और फिर से यहाँ पे व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आने के बाद फिर से डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और इसके बाद फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ब्रश पर क्लिक कर देने बाद हम लोग को नीचे इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग 100 पे रख लेंगे और फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको स्क्रीन पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग का रेड कलर जो भी आएगा उससे आप लोग कुछ इस तरीके से पूरे स्क्रीन पे इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो मैं पूरे स्क्रीन पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, अभी आप लोग को मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। इसके बाद ड्रॉ कर लेने बाद इस रेड कलर को हटाने के लिए यहाँ पे इसको बंद कर देना है, ठीक है। और इस फोटो को जूम करके देख सकते हैं स्क्रीन स्मूथ हो चुका है। एंड इसके बाद क्या करना होगा, फिर से इसको यहाँ से सेव कर लेना है और यहाँ पे आने के बाद फिर से नीचे यहाँ पे टूल्स पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्रेट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और हम लोग इसको यहाँ पे स्मूथ 2 पे रख लेंगे और इसके बाद क्या करना होगा, इसका फेस स्पॉटलाइट +25 के करीब और फिर से नीचे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। एंड इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ से डन कर देंगे। तो डन कर देने के बाद दोस्तों फिर से इसी फोटो को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसमें जो भी सेटिंग बताएं सेटिंग आप लोग सही से देख लीजिएगा। तो इसमें ओपन करने बाद सबसे पहले यहाँ पे नीचे एड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आ जाने के बाद हम लोग एक हेयर PNG को यहाँ से ऐड कर लेंगे जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस यहाँ से हम लोग इस हेयर PNG को ऐड कर लेंगे और ऐड कर लेने वाले दोस्तों फोटो को जूम कर लेना है, ठीक है। और इसको इस हेयर को कुछ इस तरीके से हेयर पे ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना होगा एंड इसके बाद ऊपर इरेजर पे क्लिक कर देना है और फिर से यहाँ पे फोटो को जूम करके यहाँ पे नीचे इरेज लिखा होगा तो इरेज पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड आप लोग को हेयर का जो भी बाहरी हिस्सा होगा कुछ इस तरीके से आप लोग भी रिमूव कर लीजिएगा। तो मैं फटाफट से जो भी बाहरी हिस्सा है कुछ इस तरीके से इसको रिमूव कर लेता हूँ। एंड रिमूव करने बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो सेव कर लेने वक्त दोस्तों फिर से यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद फिर से नीचे यहाँ पे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा और इस पर क्लिक कर देने बाद यहाँ पे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सैचुरेशन पे क्लिक कर देना है, इसको भी हम लोग 100 के करीब रख लेंगे और इसके बाद ऊपर इरेज पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद फिर से इरेज पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद दोस्तों फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको स्क्रीन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे ड्रॉ कर लेने वाले दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का फोटो जो काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है और इसको यहाँ से हम लोग सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है और ड्रॉ पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद ऊपर यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है।